पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैरा जी लगातार उनके इस्तीफे की मांग करते आ रहे थे। उनसे जानते हैं कि क्या ये उन्हीं की मांग के तहत ही क्या राणा गुरजीत सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है? नहीं, ऐसी मैं अपने आप को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देना चाहता। ये सच की जीत है, ये पंजाब के लोगों की जीत है, और जो एक करप्ट लीडर है उसको आज कटघरे में खड़ा किया गया है। और मेरे को दुख इस बात का है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास उनका ये इस्तीफा जो है 12 दिन पहले पहुंच चुका था, तो इसका मतलब कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी उसको बचा रहे हैं। और अब ये इम्तिहान राहुल गांधी का भी है कि क्या राहुल गांधी इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं कि जैसे अमरिंदर सिंह ने अपने दोस्त को बचाया, इसी तरह फिर वो बचाएंगे। तो राहुल गांधी का भी जो इम्तिहान है वो देश और पंजाब के लोग देख रहे हैं। खैरा साहब, आपने खनन घोटाले की बात कही और ईडी ने उनके बेटे को समन किया, तो दोनों में आपको क्या लगता है किसके तहत मतलब कि राणा गुरजीत सिंह को मजबूर होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए? देखो, ये सारी ऑल ओवर एक इमेज बनती है एक आदमी की, जो हर वक्त कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है, कहीं ना कहीं कानून तोड़ रहा है। तो उसकी जो इमेज बनी है वो आज इमेज पंजाब में, राणा गुरजीत इज कनेक्टेड विद करप्शन, ही इज़ बिकम द एपिटोम ऑफ करप्शन इन पंजाब। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हाईकमांड ये सोच रही है कि ये लायबिलिटी बन गया हमारे लिए। इसको जितनी देर वो रखेंगे, हमारी तरफ से तो राहुल गांधी भी उनको बचाए, लेकिन जितनी देर वो रखेंगे, एक तो वो पंजाब के ऑपोजिशन को वो एजेंडा दे रहे हैं हमारे को लड़ने के लिए, और एक वो अपने आप को पंजाब के कचहरी में लोगों में एक्सपोज कर रहे हैं। खैरा साहब, आपने राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखा जिसमें आपने सारे सबूत अटैच किए राणा गुरजीत सिंह के, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी के कहने पर ये इस्तीफा दिया गया? देखो, अगर राणा गुरजीत ने खुद इस्तीफा देना होता तो उस दिन देना चाहिए था जिस दिन उसने उसके नेपाली खानसा में किया नीलामी के खड्डों की नीलामी का बात उठी, उस दिन हम मानते कि हाँ ये नैतिक आधार के ऊपर राणा गुरजीत ने इस्तीफा दिया, या अमरिंदर सिंह उसको निकालते तो हम समझते कि अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। लेकिन आज 6-7 महीने के जबरदस्त अभियान के बाद आज राणा गुरजीत का इस्तीफा नहीं हुआ, ये उसकी सैकिंग है, उसको कैबिनेट से डिसमिस किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हाईकमांड का प्रेशर भी इस बात के ऊपर बहुत निरंतर बना हुआ है। खैरा साहब, राणा गुरजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप फिर भी अब कह रहे हैं अभी मैं सेंटर मिनिस्टर से मिलूंगा, क्या मतलब कि इस्तीफा खत्म नहीं ना जी, ये पंजाब के खजाने की लूट का मामला है। ये कल अकेला इस्तीफा तो एक पार्ट है, एक हिस्सा है उसका, लेकिन जो इन्होंने जो करप्शन की पंजाब में, उसका इफेक्ट तो पंजाब के ऊपर पड़ रहा है ना, चाहे वो माइनिंग की है, चाहे वो सियोंग गांव में की है, चाहे वो 100 करोड़ रुपया मदीरा पुर्तगाल में रखा हुआ है। ये सारे चीज़ों की जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए, इसीलिए हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और उसकी CBI की जाँच मांगेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली को मिन करके हम ED की जाँच मांगेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की जाँच मांगेंगे, और एक बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट है उसके अधीन भी उसकी जांच मांगेंगे। खैरा साहब, क्या आपको लगता है कि राणा गुरजीत सिंह के जो इस्तीफे हैं इससे सरकार की इमेज, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की इमेज है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा, उसमें कोई सुधार आएगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है। अगर अमरिंदर सिंह पहले दिन इस्तीफा ले लेते तो अमरिंदर सिंह की विक्ट्री थी, लेकिन आज 6-7 महीने के निरंतर अभियान के बाद जगह अगर इस्तीफा आता है तो ये कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का धब्बा है। थैंक यू खैरा सर। ये थे सुखपाल खैरा जी, जो कह रहे थे कि सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है बल्कि वह इस मामले में राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ CBI की जांच भी मांग कर रहे हैं और ED के पास जाने की भी बात कर रहे हैं। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक के साथ दैनिक सवेरा TV के लिए चंडीगढ़ से।